दिस इज शैलेंद्र। टैगोर नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का वेलकम करता हूँ एंड कंटिन्यू अपडेट्स रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज अपना टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर्स। अपने टॉपिक्स में टाइम कम लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखे हैं। आप जैसे डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं कि यह क्या सिस्टम आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। यह है जी आई ट्रैक सिस्टम डिसऑर्डर्स। यहाँ पर फर्स्ट अगर अपन बात करें इंडिकेशन की, यहां पर है फर्स्ट नंबर पे अपना लिवर। लिवर से दो कॉमन हेपेटिक डक्ट निकल रही है, दिस वन आर राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों हेपेटिक डक्ट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, यह है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और यह है राइट हेपेटिक डक्ट। और दोनों जब लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट आर कंबाइन ओरियन देन दे आर मेक कॉमन हेपेटिक डक्ट। स्टूडेंटों को क्वेरी रहती है दिस वन आर कॉमन हेपेटिक डक्ट नॉट कॉमन बाइल डक्ट, दिस वन आर कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है तब यह बनती है कॉमन बाइल डक्ट। आप लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा, आप दोबारा से इस बात को क्लियर कर लीजिए। लिवर से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दोनों निकली, कॉमन हेपेटिक डक्ट के द्वारा जोड़ी, और जब ये सिस्टिक डक्ट के द्वारा विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर कंबाइन विद एंड मेक अ कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट आर कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ते हुए दिस वन आर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हुए पैनक्रियाटिक के संग में जुड़ करके और लास्ट में जाकर के ओपनिंग हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग वाला एरिया है एम्पुला ऑफ वेटर। इसको समझने के लिए आप एक बात समझ सकते हैं कि जैसे दीवार के अंदर जो ओपनिंग होती है उसे अपन कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। बट जब दीवार के अंदर गेट लगा दिया जाता है इट विल बी कंस्ट्रक्टेड, आने और जाने के लिए गेट खोलना और बंद करना है, देन दिस वन आर गेट एंड दिस वन आर ओपनिंग ऑफ वॉल। तो हम इसको यहाँ पर समझेंगे अगर दीवार के अंदर ओपनिंग है तो उसे अपन कह रहे हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और ओपनिंग को रोकना और आने जाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है उसे अपन बोल रहे हैं इंस्पेक्टर ऑफ ओडई, एंड दिस वन आर इंस्पेक्टर ऑफ ओडई। ब्लू कलर से मैंने डायग्राम को इंडिकेट किया है, दिस वन आर एम्पुला ऑफ वेटर, ब्लैक कलर आर इंडिकेट एम्पुला ऑफ वेटर एंड ब्लू कलर इंडिकेट इंस्पेक्टर ऑफ ओडई एंड रिमेनिंग लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज नॉट अ एनाटॉमिकल डायग्राम, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल डायग्राम, जिससे कि आपको हर कंटेंट का क्लियरिफिकेशन हो। यह है लिवर है, यह है गॉल ब्लैडर है, दिस वन आर पैनक्रियास एंड दिस वन आर डी जे आई स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस वन आर लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन आर लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर के अंदर इंफ्लामेशन कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, कॉलेसिस्टाइटिस। हल्का हल्का अपन हर चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। गॉल ब्लैडर में इंफ्लामेशन को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर इंफ्लामेशन को बोला जाता है कॉलेसिस्टाइटिस का मतलब क्या है, गॉल ब्लैडर में इंफ्लामेशन होना। देयर आर थ्री टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर इंफ्लामेशन, फर्स्ट एक्यूट, सेकंड क्रॉनिक एंड थर्ड ए कैलकुलस। यहां पर अपन अगर क्लियर करें एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द स्टोन फॉर्मेशन। इट मींस एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस by the cholelithiasis. What is the meaning of lithiasis? Lithiasis meaning are stone formation. Lithotripsy means breakdown of stone by the non-invasive method. What is the meaning of non-invasive method? बिना चीर फाड़ के स्टोन को तोड़ने की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सी कहलाती है,
एंड लिथोटॉमी, लिथोटॉमी का मतलब होता है स्टोन को पकड़ के रिमूव करके बाहर निकालना, इट इज ए इन्वेसिव प्रोसीजर, ओपन सर्जिकल मेथड के थ्रू लोअर एब्डोमेन में चीरा लगा करके अपन स्टोन को अगर बाहर निकाल रहे हैं रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल रीजन, तो उसको अपन बोलेंगे पायलोलिथोटॉमी, यूरेट्रोलिथोटॉमी एंड एक्सवाइजेड. देन हियर आर द थ्री टर्म्स, लिथियासिस, लिथोट्रिप्सिन, लिथोटॉमी. अपन बोल रहे हैं गॉल ब्लडर में अगर कोई स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं कॉलेलिथियासिस कंडीशन, और पॉलीलिथियासिस के कारण से यदि स्टोन फॉर्मेशन के कारण से यदि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसे अपन बोल रहे हैं एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस. आई अगेन रिपीट, एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय द कॉलीलिथियासिस. व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, अगेन रिपीट, दिस वन आर कोलेस्ट्रॉल. सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो रीनल के अंदर कौन सा स्टोन कॉमनेस्ट पाया जाता है, तो आप बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट. अगर आपसे यहीं पर पूछ लेगा गॉल ब्लैडर के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन स्टोन पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल. अपडेट रखना अभी इस बात को. नेक्स्ट क्रॉनिक कोलेस्टाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ बाइल, इन द आउटफ्लो ऑफ बाइल, एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ बाइल, दिस कंडीशन कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द gall bladder, this condition are called chronic cholecystitis. Chronic cholecystitis caused by the any type of obstruction in the outflow of the bile. Next, acalculus. Acalculus means A matlab absence and calculus matlab calculi. It means without calculi if inflammation occur in the gall bladder. इसके अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि gall bladder के अंदर inflammation होगा लेकिन calculi के कारण से नहीं होगा. It may be caused by the any type of bacterial infection. Bacterial infection. It means acute cholecystitis is caused by the stone formation, chronic cholecystitis is caused by the bile obstruction, and calculus cholecystitis is caused by the any type of bacterial infection. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जामों में कि acute cholecystitis is caused by, तो आप यहां पर आंसर देंगे it may be caused by the cholelithiasis. But student यहां पर क्या गलती करी आते हैं, अगर आपको पूछा जाए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय, तो कैलकुलस समझ करके स्टूडेंट कह रहे थे इट इज कॉज्ड बाय द कैलकुली, बट इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कैलकुली, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, देन देयर आर द टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस. कोलेसिस्टाइटिस के अंदर किसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गॉल ब्लैडर का. देयर आर द थ्री टाइप्स. यहां पर क्लासिकल साइन अगर आपसे बात करें, क्लासिकल साइन आया द मर्फीज साइन. हर एक को ये बात पता है अच्छी तरीके से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्फी साइन. अगर आपके अपडेट के बारे में पूछे तो मर्फी साइन इज द क्लासिकल साइन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, क्लियर. बट आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि मर्फी साइन होता क्या है. मर्फी साइन होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन हेपेटिक मार्जिन को पालपेट करने पे दर्द की अनुभूति होना, फीलिंग ऑफ पेन, बट स्पेशल टाइम इंस्पायरेशन के टाइम पे, नॉट एक्सपायरेशन के टाइम पे. Why the pain occur at the time of inspiration? That's the clear magic. कारण देखिए, आपने inspirate किया, normal इंसान ने inspirate किया, what is the mechanism of the inspiration? Chest cavity moves outward, diaphragm moves downward, and diaphragm pressure on the liver. And same time अगर आपने liver को palpate कर रहे हैं, and same time due to the cause of the inspiration, diaphragm नीचे की तरफ downward हो रहा है, then liver से क्या होगा, pain originate होगा. Then this condition are called Murphy's sign. नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, जब क्लाइंट को मर्फी साइन है, इसका मतलब कोलेसिस्टाइटिस है, तब जब आप क्लाइंट को इंस्पिरेट करने के लिए बोलेंगे कि आप गहरी सांस को अंदर लीजिए और आप खुद पालपेट करेंगे लिवर हेपेटिक मार्जिन रीजन को, तो एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन उसमें दर्द की अनुभूति होगी, और यह कंडीशन क्या कहलाती है, मर्फी साइन. मर्फी साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लासिकल साइन ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस, क्लियर. सेकेंड बात कि अपन ने यहां पर नॉर्मल मैकेनिज्म में देखा बाइलर प्रोडक्ट फ्रॉम द लिवर्स में हेपेटोसाइट प्रोडक्ट हुआ एंड कम्स इनटू द कॉमन हेपेटिक डक्ट बाय द लेफ्ट एंड द राइट हेपेटिक डक्ट, एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट से यह आया और स्टोर हुआ पे गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ और जब कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, कॉले सिस्टो
काइनिन रिलीज हुआ टीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीजिंग कंडीशन कॉजेस गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रेक्शन पैदा होगा एंड कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज कब होगा खाना खाने के टाइम पे कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा तो इससे क्या होगा गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रेक्शन होगा एंड देन कॉजेस द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल आर कम्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाय द सिस्टिक डक्ट इन टू द कॉमन बाइल डक्ट हियर आर कॉमन बाइल डक्ट और ड्यू टू द कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बाय द कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीजेस गॉल ब्लैडर क्या बना बाइल बना बाइल कहां पर आया सिस्टिक डक्ट वे कहां पर आया कॉमन हेपेटिक डक्ट में आया और आगे फर्दर चलता हुआ पैनक्रेटिक डक्ट के संग में जुड़ता हुआ कहां पर निकल गया एम्पल ऑफ विट्र में यहां पर निकल गया क्लियर फर्स्ट बात सेकेंड बात अगर किसी क्लाइंट को कोलेसिस्टाइटिस कंडीशन है इट मींस के जैसे ही क्लाइंट खाना खाएगा आफ्टर टेकिंग अ फैटी मील आल्सो जैसे ही क्लाइंट खाना खाएगा खाना खाने के कारण से क्या होगा कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा एंड कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीजिंग कंडीशन कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर बट मैंने आपको बताया मान लीजिए यहां पर स्टोन प्रेजेंट है यहां पर स्टोन प्रेजेंट है तो क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन हो गया खाना खाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रक्शन होगा कॉन्ट्रेक्शन होगा आउटफ्लो होने की कोशिश करेगा बाइल बट ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होने के कारण से आउटफ्लो नहीं होगा देन क्लाइंट को क्या होगा दर्द होगा देन हियर आर द करेक्टरिस्टिक क्लासिकल साइन ऑल्सो के क्लाइंट फील पेन आफ्टर टेकिंग हैवी फैटी मील नॉर्मल मील और हैवी फैटी मील खाना खाने के बाद में क्या होगा क्लाइंट को दर्द की अनुभूति होगी क्यों होगी ये दोबारा बता रहा हूं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द फिस्टिक डक्ट बाय द कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ द बाइल दैट कॉजेस पेन अकर इन दिस कंडीशन एंड ये पेन कहां रेडिएट होगा राइट स्कैपुला हमने यहां पर हल्के सी मैकेनिज्म देखा कोलेसिस्टाइटिस का नेक्स्ट अपन देखते हैं पैनक्रियास का What is the meaning of pancreatitis? यहाँ पर अगर अपन लिख दें pancreatitis का मतलब क्या होता है Pancreatitis का मतलब अगर जनरली देखें अपन then inflammation of pancreas. Inflammation of pancreas. What is the meaning of pancreatitis? Inflammation of the pancreas. But आपको ये बात ढंग से ध्यान रखनी है कि pancreatitis is basically caused by the autodigestion of the pancreas. What is the meaning? Autodigestion of the pancreas. Autodigestion of the pancreas.